स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज में आपका बेहद स्वागत है आज फिर से हम डिस्कस करने वाले हैं डाटा इंटरप्रटेशन सीरीज के बारे में हमारी थर्टी क्लासेज आने वाली है जो आपको पता होगा बेसिक से मोडरेट से एडवांस लेवल की ये थोड़े से मोडरेट के क्वेश्चन होंगे आप देख लेना किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं ठीक है चलो शुरू करते हैं डी के कुछ प्रश्न दोस्तों ये कुछ दिया गया है टेबल इसमें क्या बताया गया है दो तरह के चीज़ें बताई गई हैं एक तो एज बताई गई है और नंबर ऑफ़ ट्रैवलर बताया गया है ये डी का पहला प्रश्न है ठीक है पहले मैं आपको टेबल बता रहा हूँ किस तरह से टेबल बना हुआ है क्या बताया गया है एक जगह एज बताई गई है दूसरी जगह नंबर ऑफ ट्रैवलर बताए गए हैं जो एज ग्रुप है पहला एज ग्रुप हम देखते हैं जैसे लेस देन थ्री ईयर जो लेस देन थ्री ईयर के हैं वो एट्टी फाइव ट्रैवलर हैं मतलब कि कहीं वो घूमने जा रहे हैं किसी बस में बैठे हैं तो लेस देन थ्री ईयर के जो बच्चे हैं कुछ भी हैं ठीक है पर्सन है वो एट्टी फाइव है जो ट्रैवल कर रहे हैं उसी तरह से तीन से दस ईयर के जो एजिस ग्रुप के पर्सन है वो वन फिफ्टी है जो ट्रैवल कर रहे हैं नंबर ऑफ ट्रैवलर्स ठीक है उसी तरह से ग्यारह और फोर्टी फाइव ईयर के जो पर्सन हैं कोई भी हो सकता है मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकते हैं कोई भी हो सकता है ठीक है नाइन्टी एट है नंबर ऑफ ट्रैवलर्स है वो टोटल पर्सन है नाइन्टी एट उसी तरह से फोटी सिक्स और सिक्सटी ईयर के जो पर्सन है वो टोटल ट्रैवलर है वन ट्वेंटी सेवन अबव सिक्सटी ईयर एज के जो ट्रैवलर हैं वो है फिफ्टी थ्री अब क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से इससे क्वेश्चन बनता है जो पहला क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ वही महत्वपूर्ण है आगे इसके दो क्वेश्चन होंगे वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है पहला क्वेश्चन आप समझ जाओगे तो आगे दो तो आप खुद भी कर लोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्या बताया गया है देखिए okay. देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है हाउ एज ग्रुप हैव लेस देन वन थर्टी बट मोर देन 90 ट्रैवलर्स क्या बताया गया है कोई क्या बताया गया है कोई एज ग्रुप है ठीक है उसमें ऐसे ट्रेवलर बताने हैं जो लेस देन वन थर्टी है जिसमें ट्रैवल की संख्या लेस देन वन थर्टी है ठीक है एजिज में लेस देन वन थर्टी ट्रैवलर्स की संख्या बट ग्रेट मोर देन नाइन्टी है ट्रैवल ठीक है उसमें ऐसी एज बतानी है हमें जिसमें क्या बता रहा हूँ समझिए क्वेश्चन को पहले समझिए ऐसी एज हमें बतानी है ठीक है जिसमें जो ट्रैवलर की संख्या वो लेस देन वन थर्टी है बट ग्रेटर देन नाइन्टी है किस तरह से निकालेंगे पहले हम सिर्फ लेफ्ट साइड का ही देखेंगे ये हमारी लेफ्ट साइड है ये राइट right साइड है हम पहले इतना ही कोशिश करेंगे करने की नाइन्टी को हम देखेंगे भी नहीं ठीक है एज लेस देन वन थर्टी किस किस की है देखते हैं एक तो है हमारे पास एज लेस देन वन थर्टी वो है एक तो है एट्टी फाइव की जो वन थर्टी से कम है उसी तरह से वन फिफ्टी नहीं है क्योंकि वन थर्टी से एज वो एज वाले पर्सन ज़्यादा है एक है नाइन्टी एट एक है एक सौ सताई वन थर्टी से कम आ रही है जो ट्रैवलों की संख्या वन थर्टी से कम आ रही है और फिफ्टी थ्री वन थर्टी से ट्रैवलर की संख्या आ रही है बट अब हमें एक और चीज़ बताई गई है कि जो एज ग्रुप है अब हम ऐसे ट्रैवलर ढूंढने हैं जो ग्रेटर देन नाइन्टी हो जिसमें ट्रैवलरों की संख्या ऐसे एज ग्रुप अब हम ढूंढने है हैं इस साइड देखेंगे अब एक तो कर लिया हमने अब हमें ये वाला पोर्शन चेक करना है अब हमें ये चेक करना है कि ऐसे ट्रैवलर देखने हैं जिसमें जो एजेस की ए, 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 ऐसे एज चेक ऐसे ट्रैवलर देखने हैं जिसमें नाइन्टी से अधिक हो ठीक है ऐसे एज ग्रुप हमने चेक करने हैं जिसमें ट्रैवलरों की संख्या नाइन्टी से अधिक हो तो अब देखिए नाइन्टी से अधिक पचासी तो है नहीं एक नाइन्टी एट से अधिक जो एज ग्रुप वाले हैं ट्रैवलर वो ये भी है नाइन्टी एट मतलब कि ग्यारह से फोर्टी एट फिर 127 भी हो सकते हैं 5390 से कम है ट्रैवलर तो ये नहीं हो सकते तो ऐसे हमें दो ट्रैवलर मिले ठीक है जिनकी ए, एज ग्रुप ऐसे एज ग्रुप वाले ट्रैवलर मिले जिनकी संख्या 130 से कम है और 90 से ज़्यादा है वो है 46 सिक्स और सिक्सटी ईयर वाले और 11 से 45 ईयर वाले तो ये दो हुए 98 और 127 ऐसे एज ग्रुप हुए जिनकी ट्रैवलर की संख्या 130 से कम है बट 90 से ज़्यादा है ऐसे एज ग्रुप ढूंढे हमने जिनकी ट्रैवलर की संख्या 130 से कम है बट 90 से ज़्यादा ये दो हैं ठीक है थीके? इस तरह से प्रश्न था अब क्या बताना है सिर्फ इसमें बताया गया क्वेश्चन द एवरेज नंबर ऑफ ट्रैवलर ऑफ ऑल द एज ग्रुप एवरेज नंबर ऑफ ट्रैवलर सिर्फ एवरेज किसकी बात की गई है ट्रैवलर की बात की है टोटल इनको प्लस करेंगे तो एवरेज तभी नहीं पहले नंबर ऑफ पर्सन को प्लस करेंगे टोटल उसका देखेंगे कितने हैं नंबर ऑफ पर्सन जो ट्रैवलर है वो है वन फिफ्टी थ्री जब इनको पंद्रह पाँच सौ तेरह है ठीक है फाइव वन थ्री है और इनकी एवरेज कितनी निकलेगी एक दो तीन चार पाँच पाँच है तो पाँच सौ तेरह बटे पाँच करेंगे तो हमारे पास एक सौ दो पॉइंट छः इसका आंसर आ जाएगा ये होगा वन ठीक है ये तो आपको बेसिक बेसिक्स ये तो आपको पता होगा ये मैं कोई ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्या फार्मूला लगा आपको एवरेज का फार्मूला तो पता ही होगा वट इज़ द टोटल नंबर ऑफ़ पैसेंजर इक्वल टू और बिलो सिक्सटी ईयर वट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर ऐसे ट्रैवलर देखने जो इक्वल और बिलो सिक्सटी ईयर हो ठीक है तो बिलो सिक्सटी ईयर तो जो एज ग्रुप के हैं वो तो लेस देन थ्री ईयर ये भी हो सकते हैं बिलो सिक्सटी ईयर ये भी हो सकते हैं बिलो सिक्सटी एयर ये भी हो सकते हैं और बिलो सिक्सटी और इक्वल टू भी पूछा है साथ में तो सिक्सटी वाला भी लेना है ये भी हो सकते हैं तो ये अब अब सिक्सटी आ जाएगा तो इसको नहीं लेंगे हम ये चार को हम लेंगे जब इनको प्लस करेंगे तीनों को तो 460 आपका आंसर आ जाएगा क्योंकि बिलो 60 और इक्वल टू आपके पास पहुंचा है तो ये सभी आ जाएंगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अब हम सेकंड डीआई की बात करने वाले किस तरह से क्वेश्चन सोल्व होगा चलो देखते हैं दोस्तों ये सेकेंड डीआई है किस तरह से करनी है इसमें कुछ नहीं दिया गया है ग्राफ दिया गया है 2014 2015 2016 2017 दो का मतलब 2014 में जो क्या दिए गए नंबर ऑफ पीपल यूजिंग देयर डिफरेंट ब्रांड्स 2014 की बात करें तो 2014 में ये दिया गया जो ग्रीन कलर दिया गया है, है वो रेडमी के लिए ये ओप्पो के लिए दिए गए सैमसंग के लिए दिया गया दो में जो रेडमी के यूज़र थे वो थे तीस लाख उसी तरह से ओप्पो के यूज़र थे पच्चीस लाख सैमसंग के दस लाख इसी तरह से 2015 में सैमसंग के 12 लाख 18 लाख ओप्पो के और 22 लाख रेडमी के इसी तरह से 22 लाख रेडमी के 2016 में 2016 में ओप्पो के 10 लाख 25 लाख की बात करूँ तो 2016 में सैमसंग के थे पंद्रह लाख बात करो दो हजार सतारह में रेडमी के थे तीस लाख ओप्पो के थे दो हज़ार सतारह में ट्वेंटी लाख थे सैमसंग के दो हज़ार सतारह में ये कुछ क्वेश्चन दिया गया किस तरह से अब क्वेश्चन होंगे उसके बारे में बात करेंगे ये आपको अभी डाइग्राम मैंने समझाई है क्या क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द रेशो ऑफ द यूज़र ऑफ सैमसंग दो हज़ार सोलह टू रेडमी दो हज़ार पंद्रह सैम फाइंड द रेशो ऑफ द जो सैमसंग का रेशो बताना है दो हज़ार सोलह में और रेडमी का दो हज़ार पंद्रह में दो हज़ार सोलह सैमसंग ठीक है 2015 रेडमी किस तरह से सॉल्यूशन होगा उसमें बताया गया इफ यूजर ऑफ द सैमसंग इन 2016 इंक्रीज सोलह इंक्रीज परसेंट दो हजार में ऐसा माना गया है कि यूजर उसके दो परसेंट इंक्रीज हुए हैं और रेडमी के 2015 में पंद्रह प्रतिशत डिक्रीज हुए हैं किस तरह से क्वेश्चन होगा ठीक है यूजर ऑफ सैमसंग इन 2016 कितने हैं 25 लाख सैमसंग की बात हो रही है तो 2016 में 25 पर 25 लाख थे सैमसंग के यूज़र बट ऐसा माना जा रहा है अभी चलो इतना ही देखते हैं ठीक है और उसी तरह से 2015 में जो रेडमी के यूज़र हैं वो हैं रेडमी कहाँ पे हैं 22 लाख ये दो चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई ठीक है ये देख लीजिए बट क्या बताया गया है जो दो हज़ार सोलह में ऐसा माना गया है कि उसमें उनतीस प्रतिशत का इंक्रीज़ हुआ है ठीक है पच्चीस लाख इंटू वन ट्वेंटी नाइन क्योंकि हंड्रेड प्रतिशत तो आपके पास परसेंटेज की वैल्यू होती है तो उनतीस प्रतिशत इंक्रीज़ हुआ तो वन ट्वेंटी नाइन प्रतिशत हो गया होगा जब प्रतिशत हटाया तो हंड्रेड तो ओपोन में लगेगा ही उसी तरह से डिक्रीज़ हुए रेडमी के ट्वेंटी फाइव मतलब कि कितने पंद्रह प्रतिशत डिक्रीज़ हुए हैं हंड्रेड प्रतिशत तो आपके पास वैल्यू होती ही है ऐसे परसेंटेज में पंद्रह प्रतिशत डिक्रीज़ हुआ तो एट्टी फाइव आएगा जब इन दोनों का रेशो निकाला जाएगा तो ये आएगा किस तरह से रेशो निकाला है पच्चीस इंटू वन ट्वेंटी नाइन अपोन हंड्रड रेशो की बात करूँ रेडमी की बाईस इंटू पचासी अपोन हंड्रेड रेशो रेशो में दोनों एक कट जाएंगे ठीक है उसी तरह से ये जो पाँच से कट जाएगा ठीक है जो इनको मल्टीप्लाई करके आएगा वो आएगा आपके पास छः सौ पैंतालीस रेशो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तीन सौ पचहत्तर आपके पास आंसर आ जाएगा ठीक है बाईस इंटू सतारह करेंगे जब यही आपका आंसर था इसका होगा आपका तीन सौ चौहत्तर आएगा आंसर होगा इसका सी क्वेश्चन देखिए इफ द टोटल नंबर ऑफ सैमसंग सैमसंग यूजर इंक्रीज बाय पच्चीस प्रतिशत एंड रेडमी यूजर डिक्रीज बाय पच्चीस परसेंट फाइंड द न्यू रेशियो ऑफ़ द सैमसंग यूजर एंड रेडमी यूज़र इफ टोटल नंबर ऑफ़ सैमसंग यूज़र आर इंक्रीज बाय ट्वेंटी प्रतिशत ठीक है सैमसंग यूज़र की बात की गई है मतलब कि ओल्ड द ईयर की बात की गई है इसमें कोई दो हज़ार नहीं बताया गया दो हज़ार नहीं बताया गया तो सैमसंग यूज़र की बात करूं 20 और 25 45 ठीक है दो 47 57 सतावन सिक्सटी टोटल सैमसंग यूज़र हैं ऑल द ईयर 2014, 2015, 2016, दो दो वो सिक्सटी सेवन लाख है क्योंकि तो लाख में दिया गया है ये चीज़ें और ऐसा माना गया है कि 125 प्रतिशत इन सभी में टोटल इंक्रीजिंग की ऑर्डर की बात करूँ इतना 25 प्रतिशत इंक्रीज हुआ होगा जब इनको इस तरह से लिखा जाएगा 67 सेवन इंटू एक प्रतिशत को हम जब प्रतिशत को हटाते हैं तो वह पौन सौ लगता है ठीक है उसी तरह से हम बात करें रेडमी की बात करें रेडमी की बात करें तीस बाईस बाईस पंद्रह टोटल हुआ होगा एट्टी नाइन लाख जब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो आपके पास रेशो का आंसर आ जाएगा डी इसका आंसर होगा किस तरह से रेशियो निकालना वो भी आपको बता देता हूँ देखिए जब सिक्सटी सेवन सॉरी जब सिक्सटी सेवन इंटू एक सौ पच्चीस किया जाएगा अपॉन हंड्रेड और डिक्रीज़ हुआ है रेडमी का तो 89 नाइन इंटू अपॉन हंड्रेड करेंगे 100 100 तो निकल गए क्योंकि साइड भी जाएगा हम इस साइड भी लेके जाएंगे तो 100 100 कट जाएगा पचीतियाँ पचहत्तर पच्चीस पंजीय एक सौ जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 335 थ्री फाइव रेशो टू आपके पास आंसर आ जाएगा ठीक है थोड़ा सा मैं सही तरह से मेरे को ऐसा लगता है कि आपको ये क्वेश्चन आते होंगे तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ आपको पता लग रहा होगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ क्वेश्चन है कि बाय व्हाट परसेंटेज यूजर इन 2014 इज मोर देन दैट ऑफ 2015 2014 से कितना 2014 इज मोर देन दैट ऑफ दो हज़ार कितना ज़्यादा है 2015 से परसेंटेज में ये आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ़ यूजर 2014 की बात करो 2014 में टोटल नंबर ऑफ पर्सन है तीस पच्चीस दस टोटल सिक्सटी फाइव इसका होगा टोटल नंबर ऑफ यूजर इन 2014 हज़ार चौदह वो रेडमी की बात करूँ ओप्पो की बात करूँ या सैमसंग की टोटल सिक्सटी फाइव है लैक है और यूज़र इन 2015 की बात करो, इनकी ही 12, 18, 22 टोटल है 52। तो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है किस तरह से मुझे पता लगा पहले 65 थे 2014 में चौदह में फिर हुए 52। ठीक है 2015 में अब हमें क्या निकालना है परसेंटेज इंक्रीज निकालना मोर देन की बात हुई है तो सिक्सटी आपको पता होगा परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज का भी फार्मूला होता है पता होगा आपको जो परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज का भी फार्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इन टू हंड्रेड पर आपको इस तरह से नहीं करना है आपको सीधे से आपको एक सिंपल सा सोर्स बता देता हूँ अब फिफ्टी टू तो हम लिख नहीं सकते पहले फाइनल वैल्यू ठीक है तो हमें सबसे बड़ी लिखनी पड़ेगी जो वैल्यू है वो है सिक्सटी फाइव माइनस फिफ्टी टू और इनिशियल वैल्यू आपको बताया था आ, वो लिखनी होती है बट आपको चीज़ें क्या ध्यान में रखनी है इन क्वेश्चन में जब देन के बाद जो भी वैल्यू हो देन के बाद ठीक है देन के बाद जो भी वैल्यू दी हो 2015 दी गई है देन के बाद तो आपको चुपचाप आपको वो डिनोमिनेटर में लिख देनी है मतलब कि नीचे लिख देनी है और इंटू हंड्रेड कर देना है देन के बाद कोई भी वैल्यू हो याद रखना है देन के बाद कोई भी दी गई हो उसको अपने डिनोमिनेटर में लिख देना है और इंटू हंड्रेड कर देना है क्योंकि परसेंटेज में बताना है तो आपके पास ये है ट्वेंटी फाइव इसका आंसर प्रतिशत आपका आंसर आ जाएगा थैंक यू एंड हैवी नाइस डे बाय बाय